ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जरा अपने भाग्य को देख कर मुस्कुराओ तो सही, स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आता है। कभी कल्पनाएं भी जिसकी नहीं की थी, वो सब हमारे जीवन में साकार हो गया। कभी सोचा भी नहीं था, केवल सुनते थे, भगवान ने अर्जुन को सम्मुख गीता ज्ञान दिया था, और सोचा करते थे काश हमें भी भगवान ने सम्मुख बैठकर गीता ज्ञान दिया होता। और अपने भाग्य को तो देखो, वही महान दिन आ गए, स्वयं भगवान परम शिक्षक बनकर हमारे पास आ गए, संपूर्ण सत्य ज्ञान देने के लिए, और हमारे दिल के कपाट खोल दिए, चारों युगों के और तीनों लोकों के सभी रहस्य खोल कर रख दिए। तो जरा इस नशे में आ जाएं, मैं गोडली स्टूडेंट हूँ और रोज सवेरे सवेरे स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। यदि इस स्मृति में हम रहेंगे तो संपूर्ण ज्ञान हमारे अंदर इमर्ज रहेगा, बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा और ज्ञान का बल हमें निरंतर मिलता रहेगा, और इस ज्ञान के बल से ही हम अपनी स्थिति को अचल अडोल बना सकेंगे। तो स्वयं भगवान पढ़ाने आया हो और कोई पढ़ने भी न जाता हो, उसको भला क्या कहेंगे। जिसके आने की युगों से इंतजार की थी, जिसका आह्वान किया था, जिसको बड़े प्यार से बुलाया था, और जब वो स्वयं आ गया हो तो हम कहते हो हमें तो फुर्सत ही नहीं है, हम तो पढ़ने आ ही नहीं सकते, तो भला उसे कैसे लगेगा जिसका हमने जन्म जन्म आह्वान किया है। तो आइए अपने वचनों को निभाएं, हमने भी तो भगवान से कुछ वायदे किए थे ना। भगवान पढ़ाने आ गया। संसार के लोग यदि इस बात को सुने हैरान होंगे, और जब ये बात प्रख्यात होगी विश्व में तो लोग सचमुच आश्चर्यचकित होंगे और हम सभी के भाग्य का गुणगान करेंगे। आप सब कितने महान हो, भाग्यवान हो कि स्वयं भगवान ने आपको सम्मुख बैठकर गीता ज्ञान दिया, बुद्धि की कपाट खोल दी, संपूर्ण रहस्य स्पष्ट कर दिए, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। तो चलें इस ज्ञान की गहराई में और स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करें। ज्ञान को हमें न केवल सुनना है बल्कि जीवन में धारण कर स्वयं को उसका सच्चा स्वरूप भी बना देना है, ताकि गीता ज्ञान हमारे जीवन में समा जाए। और यही सत्य है कि जिस दिन संपूर्ण गीता ज्ञान का हम स्वरूप बन जाएंगे, उसी दिन गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। केवल तर्क देने से, केवल संस्कृत में श्लोक सुना देने से गीता का भगवान सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। ये स्वयं भगवान के महावाक्य हैं, तुम्हारा जीवन गीता का स्वरूप बन जाए, लोग तुम्हारे जीवन को पढ़ लें और आप भी खुला चैलेंज कर सको गीता क्या है। यदि वो देखना हो तो हमारे जीवन में झांक कर देख लो। ऐसे हम निष्काम बन जाएं, ऐसे हम कर्म योगी बन जाएं, ऐसे हम महान बन जाएं, तब ही हम बाबा का नाम रोशन कर सकेंगे। तो हम इस ईश्वरीय पढ़ाई को संपूर्ण महत्व भी दें, इसका बहुत ध्यान दें। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ऐसा संसार में भी माना जाता है, पर सत्य तो ये है कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो आइए आज सारा दिन हम इसी स्वमान का अभ्यास करें, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, और इस नशे में रहेंगे कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आता है। और एक सीन इमर्ज करेंगे कि बाप दादा हमारे सामने हैं,
और कह रहे हैं बच्चे, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। उसने अपनी हजार भुजाएं हमारे सिर पर फैला दी हैं और वो बार बार हमें याद दिला रहे हैं, डोंट वरी, तुम चिंता न करो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी केयर मैं करता हूँ, तुम तो इस संसार में बेफिकर बादशाह बनकर विचरण कर। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, ओम शांति।